नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर अब तक की सुर्खियों पर। राजधानी भोपाल में सीएम हाउस का सपेरों ने किया घेराव। घर और खेत की जमीन छिन जाने से नाराज सपेरे। सीएम ने सुरक्षा में पुलिस बल तैनात। नरसुल्लागंज की पंचायत में चल रहा भ्रष्टाचार। पंचायत कर्मी ने सड़क निर्माण के नाम पर निकाले लाखों रुपए। ग्रामीणों को नहीं मिल रहा योजना का लाभ। देशभर में राष्ट्रीय मुद्दों पर आंदोलन करेगी कांग्रेस। सोनिया गांधी ने दिग्विजय सिंह को दी बड़ी जिम्मेदारी। देशभर में आंदोलन करेंगे दिग्विजय। मध्य प्रदेश में सहारा प्रमुख सुब्रत राय समेत 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज। सहारा प्रमुख ने 38 निवेशकों के हड़पे 38 लाख रुपए। जौलपुर ईओडब्ल्यू ने की थी एफआईआर दर्ज। और न्यूनतम समर्थन मूल्य और कई मांगों को लेकर दिल्ली समेत कई राज्यों में किसानों का आंदोलन। 8 सितंबर को प्रदेश भर के जिला केंद्रों पर प्रदर्शन करेगा भारतीय किसान संघ। और अब खबर विस्तार से। नरसुल्लागंज की पंचायत में लाखों का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। बता दें, पंचायत कर्मी शासन के पैसों को विकास में ना लगाते हुए खुद की जेब भर रहे हैं। ग्राम चिखेड़ा में ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं कि पंचायत कर्मी ने एक सड़क के नाम पर 9,30,000 रुपए निकाल लिए हैं, लेकिन जिस रोड के नाम पर रुपए निकाले गए थे उस रोड का निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा किया गया है। इस तरह से ग्रामीणों को शासन की योजनाओं से वंचित रखा जा रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ना ही उन्हें आवास योजना का लाभ मिल रहा है और ना ही खाद्यान्न मिल रहा है। राजधानी भोपाल में सीएम हाउस का घेराव करने रावगढ़ के विजयपुर गांव से आए सपेरों ने डेरा डाल दिया है। आपको बता दें कि विजयपुर से आए सपेरे घर और खेती की जमीन छिन जाने से नाराज हैं, जिसके चलते अब सपेरे मुख्यमंत्री से मिलने सीएम हाउस पर बैठ गए हैं। वहीं सीएम की सुरक्षा में पुलिस बल तैनात किया गया है। मुरैना के कांग्रेस विधायक बैजनाथ कुशवाहा सहित 7 लोगों पर उनके बेटे छोटे भाई की पत्नी की हत्या का मामला दर्ज हुआ है। बता दें कि सवर्ण न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने यह फैसला दिया है। कोर्ट ने 31 अगस्त को फैसला सुनाया था, जिसमें विधायक और उनके परिवार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। दरअसल यह मामला 10 दिसंबर 2015 का है, जब विधायक बैजनाथ कुशवाहा के छोटे भाई हरि सिंह कुशवाहा की पत्नी अंगूरी कुशवाहा का शव खेत में मिला था। मृतका अंगूरी के भाई गोरेलाल कुशवाहा ने इसे लेकर सबलगढ़ कोर्ट में परिवाद पेश किया था। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। राजधानी भोपाल में आकृति बिल्डर से ग्राहक परेशान है। ग्राहकों का कहना है कि पैसे देने के बावजूद भी मकान नहीं मिल पा रहा है। वहीं ग्राहकों ने आकृति बिल्डर के खिलाफ मिसरौ थाने पर शिकायत की है। बताया जा रहा है कि आकृति बिल्डर ने अपने एमपी नगर कार्यालय को बंद कर दिया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सुजालपुर में नरोला में हुई नाबालिग लड़की हत्याकांड मामले में इस्लाम नामक युवक ने सोशल मीडिया में हिंदू पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसे लेकर हिंदू संगठनों ने नाराजगी जाहिर की है। वहीं इस मामले को लेकर बजरंग दल हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने युवक के खिलाफ शाजापुर थाने में शिकायत की है। साथ ही पुलिस ने आईटी एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बहन के साथ हुई दरिंदगी से पूरे क्षेत्र का हिंदू समाज आक्रोशित है और हिंदुओं का सब्र का बांध धीरे धीरे टूट रहा है, और अगर ये बांध टूटा तो इसका खर्चाना बहुत बड़ा भरना होगा। हमारी प्रशासन से ये आग्रह है कि आप इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई करें और दोषियों को तत्काल गिरफ्तार करें। जिनको इसके पहले भी हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण हुआ था उसी गांव के अंदर कुछ जिहादियों ने, क्या मालूम क्या प्लानिंग है, हर 8 दिन में वहाँ जमाते आती है, ना कोई लेखा जेका होता है उनका,
किसी प्रकार की उनके पास जानकारी नहीं होती है। जिस प्रकार हमारी बच्ची अगवा हुई थी उसी रात को, 3 दिन पहले जमात आई थी और उसी रात को वहाँ से जमात गायब हो गई थी। क्या मालूम इन लोगों का क्या प्लान है। नरोला में मात्र 20% जनसंख्या हिंदू की है और ये अत्याचार हमेशा हम लोगों के ऊपर करते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य और कई मांगों को लेकर दिल्ली समेत कई राज्यों में किसानों का आंदोलन चल रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में भारतीय किसान संघ ने आवाज बुलंद की है। भारतीय किसान संघ का कहना है कि 8 सितंबर को मध्य प्रदेश में जिला केंद्रों पर प्रदर्शन किया जाएगा। समर्थन मूल्य और किसानों की मांगों को लेकर अब किसान सड़कों पर उतरेगा। झिंझोली में अखिल भारतीय बैठक सम्पन्न हुई। उस बैठक में देश भर के 36 प्रांतों से प्रांतों के अध्यक्ष, महामंत्री, श्रम मंत्री सब आए हुए थे। कोविड नियमों का पालन करते हुए 2 दिन तक विचार मंथन के बाद निर्णय हुआ कि देश के किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। किसान गरीबी के साथ साथ कर्जदार होता जा रहा तेजी के साथ में। सरकार वैसे अनेक प्रयत्न कर रही है, सरकार तात्कालिक सहायता भी देती है, और तात्कालिक सहायता के बावजूद भी किसान दिन पे दिन गरीब जा रहा है। अब किसान अकेला नहीं तो अब अपने परिवार के साथ आत्महत्या करने की ओर अग्रसर है। तो मिश्रा ने बुरहानपुर में कानून व्यवस्था की समीक्षा की और बुरहानपुर की टीम भावना के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की। मिश्रा ने बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा न जाए। महिलाओं के प्रति घटित होने वाले अपराधों में कमी लाना जरूरी है, इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। इसके साथ ही कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अशोकनगर में रघुवंशी समाज ने भी ओबीसी में शामिल करने की मांग तेज कर दी है। इसको लेकर समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। समाज के लोगों ने रैली निकालकर और पिछड़ा वर्ग में शामिल किए जाने की मांग की है। साथ ही एक ज्ञापन एसडीएम को भी सौंपा है। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने जमकर नारेबाजी की। के माध्यम से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह जी से समाज का बेटा होने के नाते रघुवंशी समाज को पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किए जाने की जो आदरणीय ढंगस आयोग की सिफारिश 2004 से जो लंबित है उसको लागू करने के लिए आज हम ज्ञापन के रूप में उन तक संदेश भेजकर पूरे प्रदेश के 22 जिलों से 10 तारीख तक समाज बंधुओं ने तय किया है कि सभी 22 जिलों से अपनी भावनाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी तक भेजकर दंगस आयोग जी के सिफारिश के अनुसार उसी फाइल को निकालते हुए कैबिनेट से मैं अनुमोदन करके रघुवंशी समाज को पिछड़ा वर्ग का समस्त लाभ देने के लिए हेतु आज प्रथम ज्ञापन। अशोकनगर में बिजली विभाग की मनमानी सामने आई है, जहां विभाग लोगों को मनमाने तरीके से बिजली बिल भेज रहा है, जिसके विरोध में कांग्रेस ने विद्युत वितरण कंपनी के मेन गेट पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस ने उपभोक्ताओं को थमाए जा रहे बेतहाशा बिजली बिलों को कम करने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार को जमकर घेरा और नारेबाजी भी की। कुरवाई विधानसभा अंतर्गत लगभग 3 दर्जन गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिससे लोगों का काफी नुकसान हुआ है। वहीं मुआवजे की मांग को लेकर कांग्रेस नेत्री रानी अहिरवार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और ग्रामीणों से मुलाकात की। साथ ही अनुविभागीय अधिकारी आरती यादव के नाम तहसीलदार हेमंत शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि सर्वे कराकर मुआवजा दिया जाए। आज श्रीमती रानी राम प्रसाद अहिरवार जी के नेतृत्व में ये ज्ञापन प्राप्त हुआ है और इस ज्ञापन में 2 मुद्दे उन्होंने उठाए। दूसरा जो यह मांग की जा रही है कि कम पैसा मिला है, तो सारे पैसे जो बांटे गए हैं वो सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार जितने 2 दिवसीय पदयात्रा कर लोगों का हाल जाना, जो बाढ़ और अति वर्षा के कारण लोगों का नुकसान हुआ, अभी तक उसका कोई उचित मुआवजा नहीं दिया गया। अगर आगे भी उचित सर्वे नहीं होता और मुआवजा नहीं दिया जाता तो हम सड़कों पर
आकर आंदोलन कर। मेरे घर माँ मकान सब दे गए, मैं स्कूल में रह रही हूँ, बच्चों लेकर नहीं है, 5,000 रुपये मिले मुझे, मेरे सामान जब तो बचो तो बोर बढ़िया ले गए, सभी मिले 50-50, 40-40 हजार, अब मैं कुन कोई की खाता में सभी मिले, गैर पानी के भी लाख लाख मिल गए। आसरा के ग्राम लसुडलिया में 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, वहीं कथा का वचन पंडित धर्मेंद्र अग्निहोत्री कर रहे हैं। इस मौके पर संत दीदी सीमा अग्निहोत्री छिपानेर भी कथा में पहुंची। वहीं बजरंग सेना के प्रदेश संयोजिका उर्मिला मराठा, जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह कुशवाहा और अजय पटेल, सुमेर सिंह पटेल, जिला महामंत्री श्री शामिल हुए। वहीं ग्राम समिति के कमल सिंह ठाकुर, सुरेश सिंह ठाकुर, गोपाल सिंह ठाकुर, जीवन सिंह भी कथा में शामिल हुए। प्रदेश भर में सक्रिय मानसून एक बार फिर रूठ गया है, साथ ही जिसे लेकर एक बार फिर इंद्र देवता को मनाने का जतन ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है। वहीं रतलाम जिले में बारिश थम गई है। आपको बता दें, रूठे इंद्र देव को मनाने के लिए एक बार फिर किसान व ग्रामीण जतन करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिले के नामली में ग्राम प्रधान को मान्यता अनुसार गधे पर बैठाकर घुमाया गया। साथ ही रतलाम जिले में अब तक 28 इंच बारिश हो चुकी है, जो सामान्य बारिश मानी जाती है। ये पारंपरिक हमारी प्रथा है, इससे पानी आता है और इंद्र राजा प्रसन्न होते हैं। कम से कम बहुत पुरानी प्रथा चल रही है, अब बहुत 2-4 बार हुए, पहले पिताजी से जब भी हुआ पहले ही बहुत मतलब हाँ जी जब कभी बैठा है जब भी पानी आया है। मुक्ति धाम में लेते हैं, कभी होता तो नगर में ले जाते हैं, लेकिन मुक्ति धाम में जरूरी है। नगर पालिका बैरसिया ने शिविर का आयोजन किया। शिविर में गरीब और असहाय लोगों की मदद के लिए योजनाओं का लाभ दिया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना और स्ट्रीट वेंडर योजना का हितग्राहियों को लाभ दिया गया। इस शिविर में जिन्हें पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास या स्ट्रीट वेंडर योजना का फायदा नहीं मिला है, उन्हें फॉर्म जमा कराए गए हैं ताकि उन्हें योजना का फायदा मिल सके। साथ ही जिन लोगों को समस्याएं आ रही थी उनकी समस्याएं सुनी गयी। इस मौके पर बैरसिया विधायक विष्णु खत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनका निराकरण करने के लिए आश्वासन भी दिया। में ये जो शिविर रखा गया, ये प्रधानमंत्री आवास योजना में जो ऐसे हितग्राही जो अब बेरसिया के अंदर अभी तक 6 DPR बनी है और इन 6 DPR में हमने लगभग 2100 हितग्राहियों को लाभ पहुंचाया है। या तो उन्हें पहली किस्त मिली है या दूसरी या तीसरी, और इसमें ऐसे कई जब हम भ्रमण करते हैं कई ऐसे लोग मिलते हैं कि साहब हमारा प्रधानमंत्री आवास में हमारा नाम नहीं जुड़ा है, हमारा मकान कच्चा है। तो ऐसे सारे लोगों के हमने आज यहाँ पर आवेदन बुलवाए हैं और इन आवेदनों का परीक्षण कराकर भविष्य में उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले, इसके लिए यह शिविर यहाँ पर आयोजित किया गया है। सिंगरौली पुलिस ने रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने सोन नदी के घाट से अवैध रेत का परिवहन करते 2 ट्रक जब्त किए हैं। जानकारी के मुताबिक झटकटा घाट से अवैध रेत का परिवहन किया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत।